नमस्कार, मैं अश्वानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बिहार उत्तर प्रदेश सेना भर्ती तिथियों का पुनर्निर्धारण। प्रादेशिक सेना भर्ती रैली की नई तिथियां। बिहार में प्रादेशिक सेना भर्ती 2 से 7 दिसंबर तक। जमीन सर्वे के दस्तावेजों की समय सीमा बढ़ेगी, 3 महीने आगे बढ़ेगी यह समय सीमा। दस्तावेज जमा होने के बाद होगी क्रॉस चेकिंग। बिहार बोर्ड की नई ऑनलाइन सुविधा, अब घर बैठे होगा बोर्ड का सभी काम। बोर्ड ने काउंटर सिस्टम किया समाप्त। NBPDCL में बिजली बिल में गड़बड़ी, 304 मिलियन यूनिट का हिसाब अभी तक नहीं मिला। विद्युत चोरी के मामले में 653 लोगों के खिलाफ FIR। IPL 2025 का पहला मैच नहीं खेल पाएंगे हार्दिक पांड्या पर IPL 2024 में लगा था बैन, स्लो ओवर रेट की वजह से लगा था बैन। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार शिक्षा विभाग ने उन नियोजित शिक्षकों के लिए रिकाउंसलिंग प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया है जिनका काउंसलिंग पहले नहीं हो पाया था। यह प्रक्रिया 21 नवंबर यानी आज से 30 नवंबर तक हर जिले के DRCC भवन में होगी, जो सुबह 9 बजे से 4:30 बजे तक 5 स्लॉट में चलेगी। शिक्षकों को उनके प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराना होगा और रिकाउंसलिंग के लिए स्लॉट और तिथियाँ विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगी। जिन शिक्षकों के आधार और मैट्रिक प्रमाण पत्र में टाइटल में अंतर है, उन्हें शपथ पत्र के आधार पर सत्यापन किया जाएगा। काउंसलिंग के बाद शिक्षकों को नियुक्ति के लिए दिसंबर में विशिष्ट पदस्थापना का अवसर मिलेगा। बता दें कि राज्य के सभी जिलों में 13 सितंबर तक काउंसलिंग की प्रक्रिया चली थी, जिसमें 1,87,818 नियोजित शिक्षकों में 1,39,032 शिक्षक शामिल हुए थे। 48,419 नियोजित शिक्षक अपना काउंसलिंग नहीं करवा पाए थे। अब शिक्षा विभाग ने इन्हें दूसरा मौका दिया है। बिहार में पहला सड़क प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पथ निर्माण विभाग ने पटना के मोकामा में 26 एकड़ जमीन चिन्हित की है। इस संस्थान से बिहार को सड़क अनुसंधान के लिए अन्य राज्यों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और यहाँ के इंजीनियरों को प्रशिक्षण मिलेगा। संस्थान में सड़क निर्माण, पुल, यातायात योजना और भू तकनीकी अभियांत्रिकी जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान होगा। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान की मदद से इसे राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा। बिहार अभियंत्रण सेवा संघ ने इस पहल की सराहना की है। बिहार रेजिमेंटल सेंटर में प्रादेशिक सेना भर्ती रैली के लिए बिहार और उत्तर प्रदेश में तिथियों का पुनर्निर्धारण किया गया है। उत्तर प्रदेश की भर्ती 26 नवंबर से 1 दिसंबर तक होगी, जबकि बिहार की 2 से 7 दिसंबर तक आयोजित की जाएगी। बिहार में विभिन्न जिलों की भर्ती तिथियां इस प्रकार हैं। 2 दिसंबर को अररिया, बांका, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, मधेपुरा, पूर्णिया, सुपौल में, जबकि 3 दिसंबर को दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, शिवहर, सीतामढ़ी और 4 दिसंबर को अरवल, जमुई, जहानाबाद, कैमूर, लखीसराय, रोहतास, शेखपुरा में, 5 दिसंबर को बक्सर, गोपालगंज, सारण, सीवान, वैशाली में, 6 दिसंबर को भोजपुर, पटना, पूर्वी चंपारण के मोतिहारी, औरंगाबाद, गया, मुंगेर और 7 दिसंबर को बेगूसराय, भागलपुर, सहरसा, पश्चिमी चंपारण के बेतिया, नालंदा, नवादा जिले के में भर्ती की जाएगी। भारत ने एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी के फाइनल में चीन को 1-0 से हराकर खिताब जीत लिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारतीय महिला हॉकी टीम को जीत की बधाई दी और विजयी खिलाड़ियों एवं कोच को 10-10 लाख रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा की है। टीम के बाकी सपोर्ट स्टाफ को भी 5-5 लाख रुपये का इनाम दिया जाएगा। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने भी टीम की ऐतिहासिक जीत पर बधाई दी और इसे भारत के लिए गौरव का पल बताया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने भी टीम के प्रदर्शन की सराहना की और इसे देश के लिए गर्व का विषय बताया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा 2025 का टाइम टेबल जारी किया है। कक्षा 12वीं की परीक्षा 15 फरवरी से 4 अप्रैल तक चलेगी, जिसमें पहली परीक्षा शारीरिक शिक्षा से शुरुआत होगी। कक्षा 10वीं की परीक्षा भी 15 फरवरी से शुरू होकर 18 मार्च तक चलेगी, जिसमें पहली परीक्षा अंग्रेजी से शुरुआत होगी। इस सेशन में कुल 44 लाख छात्रों के परीक्षा में बैठने की उम्मीद है। विभिन्न विषयों के लिए अलग अलग तिथियाँ निर्धारित की गई हैं। स्टूडेंट्स अपनी डेट शीट CBSE के ऑफिशियल वेबसाइट CBSE.gov.in पर देख सकते हैं।
बिहार में जमीन सर्वे की प्रक्रिया जारी है और दस्तावेज जमा करने की समय सीमा 3 महीने और बढ़ाई जाएगी। यह निर्णय राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा लिया गया है। पहले निर्धारित समय सीमा 30 नवंबर को समाप्त हो रही थी, लेकिन दस्तावेजों की प्रति निकालने में आ रही समस्याओं के कारण इसे बढ़ाया गया है। अब किस्तवार प्रक्रिया यानी क्रॉस चेकिंग, जिसमें दस्तावेजों की जाँच और जरूरी कागजात जमा किए जाएंगे, उसे 3 महीने बाद शुरू होगी। कुछ अंचलों में दस्तावेज जमा करने की प्रक्रिया पहले ही पूरी हो सकती है, वहां फिर से दस्तावेजों की क्रॉस चेकिंग प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। बिहार में पलायन एक गंभीर समस्या है, जहां लाखों लोग बेहतर रोजगार और शिक्षा की तलाश में अन्य राज्यों में जाते हैं। छठ महापर्व के दौरान 78 लाख लोग रेल से बिहार लौटे हैं, जो पलायन का बड़ा संकेत है। 2 नवंबर से 7 नवंबर के बीच पूर्व मध्य रेल क्षेत्राधिकार में 350 से अधिक विशेष ट्रेन चलाए गए। 200 विशेष ट्रेन विकसित राज्य दिल्ली, मुंबई, गुजरात, कोलकाता, बेंगलोर और चेन्नई से चली, जहाँ से पटना आने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा 23.4 लाख रही। मुजफ्फरपुर 3 लाख से अधिक लोग आए। दरभंगा में 1.5 लाख यानी कि 1.5 लाख के करीब लोग दरभंगा पहुंचे। सहरसा 2.34 लाख लोग पहुंचे। बरौनी 1,95,000 लोग पहुंचे, जबकि सीतामढ़ी में 1,17,000 लोग पहुंचे। मोतिहारी और बेतिया की बात करें तो यहां 78,000 लोग दूसरे राज्यों से बिहार पहुंचे। और जयनगर मधुबनी में 1,56,000 लोग छठ के दौरान लौटे। हालांकि बिहार सरकार इस समस्या से निपटने के लिए रोजगार और स्वरोजगार बढ़ाने के लिए प्रयास कर रही है। जैसे गया में इंडस्ट्रियल पार्क का निर्माण, 2016 में नीतीश सरकार ने औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, इथेनॉल पॉलिसी, टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी लागू की। इसके अलावा बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2022 भी लाई गई, जिसमें कई प्रकार की छूट और मदद दी गई, ताकि रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो सके। बिहार बोर्ड ने राज्य के सभी 9 प्रमंडलों में स्थापित क्षेत्रीय कार्यालयों को ऑनलाइन कर दिया है, जिससे अब छात्रों को बोर्ड कार्यालयों में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। सभी काम ऑनलाइन किए जाएंगे, जैसे फॉर्म भरना और सर्टिफिकेट प्राप्त करना। छात्र छात्राओं को नाम या सर्टिफिकेट में सुधार के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का मौका मिलेगा, लेकिन पहले उन्हें स्कूल या कॉलेज से फॉरवर्डिंग प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके बाद छात्र ऑनलाइन कागजात अपलोड करेंगे और शुल्क का भुगतान करेंगे। बिहार बोर्ड ने 2020 में पटना, मुंगेर, मगध, पूर्णिया, कोसी, सारण, भागलपुर, तिरहुत एवं दरभंगा में क्षेत्रीय कार्यालयों का उद्घाटन किया था। बिहार के रोहतास जिले के सासाराम और कैमूर के भौरा कटरा में छिपे 33.25 मीट्रिक टन चूना पत्थर के खजाने की खनन परियोजना ने क्षेत्रीय विकास की दिशा में नया मोड़ लिया है। सरकार ने इस खनन परियोजना को मंजूरी देकर खनन कार्य शुरू कर दिया है। इस परियोजना में अनुमानित 1,761.42 करोड़ रुपये की आर्थिक वृद्धि होगी और 10,000 लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इससे सीमेंट उद्योगों को पुनर्जीवित करने, स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं में सुधार और आसपास के 60 गांवों को लाभ मिलेगा। खनन कार्य में 5,498 एकड़ वन भूमि को मुक्त किया गया है, जिससे रोहतास, कैमूर और आसपास के क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा मिलेगा। मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा और गया में मेट्रो रेल की संभावना पर सर्वे की रिपोर्ट अब दिसंबर के अंत तक आएगी। राइट्स लिमिटेड ने नगर विकास विभाग से 1 माह का अतिरिक्त समय मांगा, जिसे स्वीकृत कर लिया गया है। सर्वे के अंतिम चरण में संबंधित जिलों के अधिकारियों, विधायकों और पार्षदों की बैठक होगी, जिसमें मेट्रो के रूट और अन्य फैसलों पर चर्चा की जाएगी। रिपोर्ट में मेट्रो के एलिवेटेड या भूमिगत होने का निर्णय, रूट और संभावित प्रभावित क्षेत्रों का अध्ययन किया जाएगा। पटना मेट्रो के निर्माण कार्य की गति भी तेज हो गई है। दिल्ली से दरभंगा आ रही स्पेशल ट्रेन नरकटियागंज के हरिनगर रेलवे स्टेशन पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ट्रेन के कोच के 4 पहिए पटरी से उतर गए, लेकिन गरिमत रही कि इस हादसे में कोई भी यात्री हताहत नहीं हुआ। घटना बुधवार रात 10 बजे हुई और इससे भैरोगंज हरिनगर के बीच डाउन लाइन अवरुद्ध हो गई, जबकि अप लाइन चालू रही। बताया जा रहा है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने वैक्यूम ब्रेक लगाया था, जिसके कारण यह घटना हुई। रेलवे अधिकारी प्रभात कुमार ने शंटिंग के दौरान सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी और कहा कि किसी भी प्रकार की जल्दबाजी से दुर्घटनाएँ हो सकती हैं।
नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड ने बिजली के बकाया बिलों और ऊर्जा चोरी पर ध्यान केंद्रित किया है। विभाग ने 1,252.35 मिलियन यूनिट ऊर्जा ली, जबकि बिलिंग 949.35 मिलियन यूनिट की हुई है, जिससे 304 मिलियन यूनिट का हिसाब अभी तक नहीं मिला है। विभाग शेष यूनिट की छानबीन कर रहा है और यह पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि कहां से बिल नहीं आया और ऊर्जा चोरी कहां हुई है। यह चौंकाने वाला आंकड़ा चालू वित्तीय वर्ष के अप्रैल से अक्टूबर माह तक का है। इसके अलावा बकाया वसूली के लिए अभियान चलाया जा रहा है, साथ ही 653 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। अधिकांश लोग विद्युत चोरी के मामले में आरोपित हैं। बिहार स्वास्थ्य विभाग अस्पतालों में नर्सिंग सेवा सुधारने के लिए 21,000 से अधिक नर्स ANM की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। यह प्रक्रिया जल्द ही कैबिनेट से मंजूरी प्राप्त करेगी और दिसंबर तक रिक्तियों की अधियाचना राज्य तकनीकी सेवा आयोग को भेजी जा सकती है। चयन प्रतियोगिता परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर होगा। इसके अलावा शल्य कक्ष सहायक के 1,326 पदों पर भी नियुक्ति की प्रक्रिया साफ हो चुकी है। नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा, जिससे पंजीयन प्रक्रिया पारदर्शी और त्वरित होगी। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव अपनी सुरक्षा को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं। गृह मंत्रालय से सुरक्षा की मांग करने के बाद कोई सुनवाई न होने पर उन्होंने DM और SP को पत्र लिखकर वायु श्रेणी की सुरक्षा और पुलिस एस्कॉर्ट की मांग की है। पप्पू यादव को 16 बार जान से मारने की धमकी मिल चुकी है, जिसमें हाल ही में पाकिस्तान से रॉकेट लॉन्चर से उड़ा देने की धमकी शामिल है। हालांकि पप्पू यादव ने कहा कि वे इन धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या IPL 2025 के पहले मैच में नहीं खेलेंगे, क्योंकि उन पर IPL 2024 के आखिरी मैच में स्लो ओवर रेट के कारण एक मैच का बैन लगा है। यह पांड्या का टीम की आचार संहिता का तीसरा उल्लंघन था, जिसके बाद उन पर 30 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। इस कारण मुंबई इंडियंस के पहले मैच में हार्दिक की जगह सूर्य कुमार यादव कप्तानी कर सकते हैं। यह बैन IPL 2025 के ओपनिंग मैच के लिए लागू होगा। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है, उनके नाम है गुनार शर्मा, रवि मोहन वर्मा, संजीव कुमार, अनवर करीम खान, राम बाबू दास, मोहम्मद शाकिर हुसैन, सुकांत शंकर और राकेश मिश्रा। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या आप मानते हैं कि स्वरोजगार और छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने से पलायन में कमी आ सकती है? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। धन्यवाद।